अब जैसे कि है ना वो पी वन की फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला ये था ना कि एन माइनस आर इंटू आर प्लस वन मतलब बाय आर प्लस वन इंटू पी ऑफ पी बाई क्यू, और इसमें आर की वैल्यू जो जीरो पुट करते थे और पी जीरो, ये जो फार्मूला जो है ना ये हम लोग ऊपर में जो फार्मूला है यहाँ से, ये जो फार्मूला है ना रिकरेंस रिलेशन वाला फार्मूला, इस फार्मूला में ना हम लोग बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब आर की वैल्यू जीरो पुट करें पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी वन इक्वल टू हो जाएगी एन माइनस आर बाय आर प्लस वन, इसमें आर की वैल्यू हम लोग को जीरो पुट करना है, तो वही बस जीरो पुट करेंगे और फिर पी बाई क्यू इंटू पी ऑफ जीरो, तो बस वही हम लोग को बस फार्मूला लिखे हैं, मतलब उसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन का वैल्यू हम लोग जो है ना इसको हम लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ये बस एन माइनस आर यानी कि सिक्स माइनस जीरो, फिर जीरो प्लस वन तो सिक्स बाई वन इंटू पी की वैल्यू 0.4, क्यू की वैल्यू 0.6 वो आ गई, और पी जीरो की वैल्यू हम लोग ऊपर में निकाल चुके थे वही पी जीरो की वैल्यू है, तो ये आ गई पी ऑफ वन। अब पी वन, पी ऑफ वन निकल गया, तो पी ऑफ वन निकलने के बाद एफ ऑफ वन भी निकालना होता है, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू पी ऑफ वन, तो एन की वैल्यू 80 और पी वन की वैल्यू जो है तो वो 14.92, ये आ गया एफ वन की वैल्यू। ये जो है ना दो हम लोग निकाल के दिखाए, बाकी जो है ना हम लोग एग्ज़ाम में जो आएगा, तो ये अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया ना तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन में आएगा 12 नंबर का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो है ना बस दो निकालने में तुमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी तुम्हें और बाकी और ये भी निकालना है एफ़ टू एफ़ थ्री एफ़ फोर एफ़ फाइव एफ़ सिक्स, ये सारे भी तुमको निकालने ही हैं, ये सारे ना कैलकुलेट करके ही निकालने हैं, मतलब इसमें हम लोग ऐसे लिख दिए ना सिमिलरली, वैसे एग्ज़ाम में जब आएगा ना तो ये तुम्हें एक्चुअल में कैलकुलेट करना होगा कि एग्ज़ाम में कैलकुलेट करके तभी तो वो करेक्ट वैल्यू आएगा, तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, तो ये पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसको में पूरा निकालने में, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 12 नंबर में ही आएंगे ये क्वेश्चन। तो एफ़ टू एफ़ थ्री एफ़ फोर सारे वैल्यू जो है ना सिमिलरली हम लोग निकालेंगे, जैसे ऊपर में जैसे निकाले ना, मतलब एफ़ जीरो निकलने के बाद जो ये जो दो स्टेप है पी वन और एफ़ वन, ये जो हम लोग किए ना वैसे ही अगर एफ़ टू निकालना होगा तो पी टू और एफ़ टू ऐसे निकालेंगे, एफ़ थ्री के लिए पी थ्री एफ़ थ्री ऐसे करके निकाल के सारे वैल्यू को निकालेंगे, और सबको वैल्यू को निकालने के बाद सबका होल नंबर, जो ये होल नंबर है ना जो एक तरह से राउंडेड ऑफ फिगर जो होता है, राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो क्या होगा 24.88 है, इसका क्या होगा 25, 22.112 है, तो 22.12 यानी कि 22, 11.06 यानी कि 11, 2.95 यानी कि 3, मतलब एक तरह से होता है ना कि 0.5 के बाद वाला जो होता है वो उसके बाद मतलब राउंड ऑफ कर दिए तो 0.30, तो वही वैल्यू जो है ना वही हम लोग पुट करेंगे, और इसमें एफ वन की वैल्यू में क्या होगा 14.92 यानी कि 15, और इससे ऊपर वाले में क्या था 3.7 यानी कि 4, तो 4 15, 25, 22 ऐसे करके जो वैल्यू है ना 4, 15, 25, 22, 11, 30 वही वैल्यू को हम लोग टेबल में लिख देंगे, और यही हो गया हम लोग के पास आंसर फाइनल, जो टेबल बन के आएगा वो यही टेबल बनेगा, हम लोग को यही टेबल बना के निकालना था। ये है पूरा अभी तक जो है वो पूरा है समझो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जो है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोग पढ़ेंगे, वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना जिसमें बेसिकली ये होता है ना कि डिस्क्रीट ही मतलब एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसमें हम लोग के पास वैल्यू अगर 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक अगर जाए, और तब उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसको हम लोग डोनेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो डिफिनीसन होगा वो क्या होगा ई ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा आर, लेमडा के पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल, इसमें ना आर की वैल्यू वो क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, और लेमडा की वैल्यू क्या होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी लेमडा की वैल्यू। तो ये जो पॉइजन है ना ये बेसिकली एक तरह से रेयर इवेंट होता है, कोई कोई होता है ना कि रेयर इवेंट, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि अगर एक कोई रोड है उस रोड में ना पर दिन कितना एक्सीडेंट हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आमतौर पर एक्सीडेंट जो है वो क्या होती है रेयर इवेंट होती है बहुत, अब हर रोज़ तो एक्सीडेंट होते ही नहीं रहता है कहीं पे भी, एक्सीडेंट जो है क्या वो क्या है एक तरह से रेयर इवेंट है, लेकिन उसकी होने की चांसेस कितने हैं, मतलब उसके होने के चांस ये भी है ना कि एक एक्सीडेंट हुआ, दो एक्सीडेंट हुआ, तीन एक्सीडेंट हुआ, चार एक्सीडेंट हुआ, ऐसे इन्फिनाइट एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो वही जो है ना एक तरह से ये एक तरह से इवेंट क्या होगा तो 0, 1, 2, 3, आर इक्वल टू जो है ना वो 0, 1, 2, 3 जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट क्या होगा वो या तो एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा या वन एक एक्सीडेंट होगा, दो एक्सीडेंट होगा, तीन एक्सीडेंट, वो टोटल एक्सीडेंट इन्फिनिटी तक जा सकती है।
और लेकिन वो नॉर्मली होती नहीं है, रेयर इवेंट होती है। तो उसी का जो हम लोग के पास पोलिटी मास फंक्शन है ना, ये पोलिटी मास फंक्शन का ये फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद रखना है। जितने भी जो फॉर्मूले हैं ना, फॉर्मूले जितने होते हैं वो सारे एमसीक्यू के लिए काम आ सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए ना फॉर्मूले एकदम अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा आर के पावर में आर बाई आर फैक्टोरियल, ये हो गया पोलिटी मास फंक्शन। अब जो है ना, अगर ऐसा अगर कोई मास फंक्शन है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें ये जो लेमडा है, लेमडा क्या होगा, तो वो एक तरह से एक पैरामीटर है। लेमडा हम लोग के पास एक पैरामीटर गिवेन होगा, यही लेमडा जो है ना वैल्यू, ये पैरामीटर लेमडा वैल्यू है। अब हम लोग ना ये कैसे बता करेंगे ना कि ये लेजिटिमेट है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिख दिए, ये सच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है या नहीं है, वो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये है ही। तो वही नोट में जो है ना, वही हम लोग लिखे हैं कि ये कैसे हम लोग बोलेंगे ना कि लेजिटिमेट है। तो इसके लिए हम लोग क्या, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ऊपर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किए थे ना, सेम टू सेम वही चीज़ हम लोग अभी सब में करेंगे, वही चीज़ हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। वही चीज़ मतलब लेजिटिमेट में क्या कर रहे हैं, पिछले में लेजिटिमेट में क्या कहते हैं, सबका जो सिग्मा होगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसका, जो हम लोग सिग्मा आर इक्वल टू इन्फिनिटी तक अगर हम लोग जो करेंगे, अगर वो वैल्यू अगर वन हो जाए, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी अगर वन हो जाए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि लेजिटिमेट है। तो इसका हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या होगा, ई ऑफ माइनस लेमडा और आर लेमडा के पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल, यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट किए, ये हम लोग इसमें पुट किए। और इसमें हम लोग इसमें से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, ये आर के टर्म में डिपेंडेंट है, तो ई टू द पावर माइनस लेमडा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ई टू द पावर माइनस लेमडा हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी लेमडा के पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल। अब बस हम लोग ना इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें, इस वैल्यू को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू जीरो अगर हम लोग पुट करें तो लेमडा के पावर में जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल यानी कि वन, फिर लेमडा के पावर में अगर आर इक्वल टू वन पुट करें तो लेमडा के पावर में वन यानी कि लेमडा बाई वन फैक्टोरियल, फिर लेमडा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, मतलब आर की वैल्यू हम लोग वन टू थ्री फोर ऐसे हम लोग पुट कर रहे हैं, फिर लेमडा थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये बेसिकली ये टर्म किसका है, हम लोग के पास ना कुछ कुछ एक्सपेंशन का टर्म का ना वैल्यू हम लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये किसका एक्सपेंशन है, वन प्लस लेमडा बाई मतलब वन प्लस या फिर लेमडा बाई, इसको अगर नहीं रखो तो ऐसे रखो, देखो वन प्लस ये जो एक्सपेंशन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ये जो एक्सपेंशन होता है डॉट डॉट डॉट, ये जो होता है ये किसका होता है, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो इसमें ना एक्स के जगह पे क्या है, लेमडा, तो एक्स के जगह पे लेमडा यानी कि ई टू द पावर लेमडा का ये एक्सपेंशन है, ये जो पूरा एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन है, ई टू द पावर लेमडा का। और ये ब्रैकेट में ये जो है ना, ये था ब्रैकेट वाली टर्म का, और ये लेमडा की ई टू द पावर माइनस लेमडा बाहर है ही, तो ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू ई टू द पावर लेमडा इक्वल टू क्या होगा, वन, तो इक्वल टू वन। तो एक तरह से ये इक्वल टू वन आया, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये लेजिटिमेट है, मतलब ये सच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ये हम लोग प्रूफ करके दिखाए। अब जो है ना, ये जो हम लोग बस बेसिकली पॉइजन का ना बस वही ऐसे एक ऐसा इवेंट जो एक तरह से ना रेयरली होकर होता है, व्हेन एन इवेंट अकर रेयरली द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट मे बी एज्यूम टू फॉलो पॉइजन, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ना कि रेयरली इवेंट होता है, बहुत कम होता है। तो कुछ कुछ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो वही एक तरह से कि रोड एक्सीडेंट का हुआ, प्रिंटिंग एरर, अगर तुम ना अगर एक बुक है उस बुक में ना कितना प्रिंटिंग एरर है, तो हो सकता है कि एक भी बुक ना हो, मतलब उस पेज में ना एक भी एरर ना हो सकता है इन्फिनाइट एरर हो, तो वो सारी चीज़। फिर अल्फा पार्टिकल जो है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो इमिट होगा रेडियो एक्टिव सोर्स से, ये सारी चीज़ जो है ना रियर इवेंट है, लेकिन अगर होने को अगर हो जाए तो वो तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, अगर होने को अगर आ जाए तो, इसीलिए ये एक तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब जो है ना, जो चीज़ हम लोग बाइनोमियल के साथ किए सेम वही चीज़ हम लोग पॉइजन के साथ करेंगे, मीन निकालेंगे, वेरियंस निकालेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से भी हम लोग मीन और वेरियंस निकाल सकते हैं, वो भी निकाल लेंगे, और फिर इसमें भी हम लोग फिटिंग निकालेंगे, फिटिंग वाला जो है ना, वो जो फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो इसमें भी रहेगा। इसमें भी क्या होगा ना, वो जो ये जो फिटिंग वाला जो है ये बस इसी दो में है, बाकी और किसी में नहीं है, मतलब देखो एक इसमें है और एक इसमें भी है, बस
इसमें भी है ना, ये जो है फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये जो है ये बस यही दो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में ना फिटिंग तुम लोगों ने हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो एक तरह से अब बस ये है, तो मीन और वेरिएंस हम लोग को निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या होगा, ई ऑफ एक्स निकालना है। ई ऑफ एक्स क्या होता है, तो ई ऑफ एक्स यानी कि सिग्मा आर इक्वल टू एक्स आर पी आर। तो एक्स आर क्या होगा, वही जैसे हम लोग के पास बाइनोमियल एक्स आर था, आर पी आर की वैल्यू बस चेंज हो रही है, बाइनोमियल और इसमें ना बस पी आर की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सारी चीज़ सेम ही रहते हैं। बस पी आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, ई ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा इस लेमडा आर बाई आर फैक्टोरियल। जो पोएल्टी मास फंक्शन हम लोग ऊपर में जो था ना पोएल्टी मास फंक्शन, ये जो फार्मूला बस एक तरह से फार्मूला ही है, ये जो फार्मूला था ना बस वही फार्मूला पी आर की वैल्यू है। तो वही वैल्यू वही फार्मूला हम लोग पुट किए, ये फार्मूला पुट किए, इसमें से जो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हम लोग निकाल लेंगे। मतलब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग कांस्टेंट का निकालने से पहले ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आर इंटू में है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा, बाहर में ऐसे रखेंगे, लेमडा इंटू लेमडा के पावर में आर माइनस वन बाई आर फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें से आर और आर कैंसिल हो जाए, मतलब ये ऊपर वाले आर को कैंसिल हो जाए ना, इसके लिए हम लोग बस ऐसे किए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इसमें से क्या हम लोग कॉमन आउट निकाल सकते हैं, ई ऑफ माइनस लेमडा कॉमन निकाल सकते हैं, और ये लेमडा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा, ये हम लोग कॉमन निकाल लिए, बच क्या गया, तो बच गया लेमडा इंटू आर माइनस वन, ये एक टर्म बच गया, और आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल जो ये जो फैक्टोरियल है ये बच गया। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और आर की वैल्यू जो है ना इसमें वन से ही लेंगे, वन से क्योंकि ये आर माइनस वन फैक्टोरियल में, तो जीरो से अगर हम लोग ले तो जीरो की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब जीरो की वैल्यू जो है ना यहाँ पे जो ये आर इक्वल टू जीरो जो थी इसमें हम लोग आर इक्वल टू जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वन से लिए, ये वन से ही हम लोग इसीलिए लिए क्योंकि ये आर मल्टीप्लीकेशन में था, ये आर इक्वल टू जीरो अगर हम लोग पुट करते तो वो वैल्यू जो है ना बस जीरो ही हो जाती। तो आर इक्वल टू वन से हम लोग को लेना है। तो अब इसमें हम लोग के पास ये जो वैल्यू आया इसमें अगर हम लोग आर इक्वल टू वन से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगी, वन माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि जीरो फैक्टोरियल लेमडा ऑफ वन माइनस वन, यानी कि ये हो गया वन, आर इक्वल टू वन के लिए वन हो गया, आर इक्वल टू टू के लिए क्या हो गया लेमडा ऑफ टू माइनस वन यानी कि लेमडा टू माइनस वन का फैक्टोरियल यानी कि वन फैक्टोरियल। फिर ये हो गया इसका आर इक्वल टू वन के लिए, मतलब आर इक्वल टू टू के लिए, आर इक्वल टू थ्री के लिए क्या होगा तो लेमडा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, आर इक्वल टू फोर के लिए लेमडा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। ये किसका एक तरह से टर्म बन गया, ये फिर से ये ऊपर वाले का टर्म बन गया, ये जो ऊपर वाले में जो टर्म था ना वही टर्म बन गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है ई टू द पावर लेमडा, तो वही वैल्यू हम लोग ई टू द पावर लेमडा पुट कर दिए। तो ई टू द पावर लेमडा और ये ब्रैकेट में ये कॉमन था, ये कॉमन जो है ना कॉमन क्या था लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा, तो लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू ई ई ई के पावर में लेमडा, ये हम लोग के पास ई ये दोनों मिल के वन बन गया। तो बच क्या गया, बस लेमडा। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा लेमडा, ये हो गया पॉइजन का ई ऑफ एक्स का वैल्यू। अब जो है ना ये था ई ऑफ एक्स, अब हम लोग के पास वेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए ना वही चीज़ करेंगे, मतलब ये एक्स आर का स्क्वायर इंटू पी आर, तो एक्स आर का स्क्वायर इसको भी हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर को फिर से हम लोग वैसे ही जैसे पिछले में किए थे ना वैसे ही हम लोग सेम चीज़ करेंगे, आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर, वही चीज़ किए, बस ये पी आर की वैल्यू चेंज हुई है, पी आर की वैल्यू जो थी वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे अब पुट करेंगे, जो वैल्यू है हम लोग पुट किए। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, मतलब ये एक तरह से ना ए हो गया ये बी हो गया, तो इसको ए इंटू ये हो गया, तो ए इंटू ए की मतलब एक तरह से अलग से हम लोग लिख लिए दोनों टर्म को, सिग्मा हम लोग जो है ना दोनों सिग्मा को अलग लिख लिए, और ये वाली जो सिग्मा है ये वाली सिग्मा हम लोग मीन में निकाल चुके हैं, ये वाली सिग्मा का वैल्यू जो है ना मीन में हम लोग निकाल चुके हैं, तो मीन में निकल के क्या आया लेमडा, तो वही वैल्यू जो है ना यहाँ पे ये लेमडा की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू जो थी ना इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लेमडा लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे एक स्टेप में लिखे रहने दिए फिर बाकी में लेमडा कर दिए। तो बस ये लेमडा की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग को तोड़ना है, इस वैल्यू को तोड़ना है तो क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए हम लोग के पास क्या करेंगे, यहाँ पे आर इंटू आर माइनस वन हम लोग के पास है ई टू द पावर माइनस लेमडा और लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा के पावर में आर माइनस वन हम लोग लिख सकते हैं, मतलब लेमडा के पावर में आर है,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर इंटू आर माइनस वन, मतलब आर माइनस टू का, मतलब आर के मतलब लैम्डा की पावर में आर माइनस टू, ये हम लोग लिख सकते हैं। और फिर आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन, मतलब आर माइनस टू का फैक्टोरियल है, ये लिख सकते हैं। तो इसमें से आर माइनस वन और आर मल्टीप्लीकेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद बच क्या गया, इसमें से भी हम लोग कॉमन आउट क्या ले सकते हैं, ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, ये कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। और इसमें हम लोग आर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर स्टार्ट करेंगे टू से। ये आर टू से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू था आर इंटू आर माइनस वन की जो वैल्यू जो थी, ये जो वैल्यू है ना, तो इसमें r इक्वल टू जीरो पुट करने पे जीरो बना, r इक्वल टू वन पुट करने पे भी जीरो बना, तो इसीलिए r इक्वल टू टू से स्टार्ट किए। तो बच क्या गया था r, मतलब ये बच गया था ना कि लेमडा ऑफ r माइनस टू बाई आर माइनस टू का फैक्टोरियल, ये बस बच गया। तो यही बस हम लोग बच के यही लिखे हुए हैं, प्लस इसका वैल्यू तो लेमडा हम लोग के पास मालूम ही है। तो इसको अगर हम लोग अगर एक्सपेंड करें सिग्मा आर इक्वल टू टू से लेके इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू है, उसमें हम लोग ये जो वैल्यू को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो आर इक्वल टू टू पुट करेंगे तो क्या होगा, मतलब लैम्डा की पावर में टू माइनस टू यानी कि लैम्डा की पावर में जीरो यानी कि वन बाई टू फैक्टोर, टू माइनस टू का फैक्टोर यानी कि जीरो फैक्टोर, वन बाई वन यानी कि वन, आर इक्वल टू टू में वन आया, आर इक्वल टू थ्री में लैम्डा बाई वन फैक्टोरियल आएगा, आर इक्वल टू फोर में लैम्डा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल आएगा, आर इक्वल टू फाइव में लैम्डा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल आएगा। यही बस एक्सपेंड हो के हम लोग ये आया, और प्लस लैम्डा ये ब्रैकेट के बाद ये तो रहेगा ही। तो बच क्या गया इसमें लैम्डा स्क्वायर, और इस वैल्यू का एक्सपेंशन हम लोग ऊपर में ही देख चुके हैं क्या है, ई टू द पावर लैम्डा है, तो ई टू द पावर लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या होगी वन। तो बच क्या गया था लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये जो दो टर्म है बस यही दो टर्म बच गए ई ऑफ एक्स स्क्वायर में। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का ये जो है ना, ये किसकी वैल्यू थी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई। तो वेरियंस की फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है वेरियंस का। तो बस वैल्यू पुट कर दिए, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, यानी कि लेमडा स्क्वायर आपस में कट गए, तो बच क्या गया लेमडा। इसमें ना मीन भी लेमडा आया, वेरियंस भी लेमडा आया, तो वेरियंस इक्वल टू लेमडा है, इसमें मीन भी लेमडा ही आया था। पॉइजन में ना दोनों मीन और वेरियंस जो है ना दोनों सेम ही आते हैं, तो ये है समझो पॉइजन का मीन और वेरियंस। अब इसी का जो है ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब जैसे कि पीएमएफ हम लोग का पॉइजन मास फंक्शन का वैल्यू गिवन है, हम लोग के पास जो गिवन है पॉइजन का पॉइजन मास फंक्शन क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू ई ऑफ माइनस लेमडा बाई लेमडा के पावर में आर बाई आर फैक्टोरियल, ये पॉइजन मास फंक्शन है। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले यूनिट में हम लोग फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े हैं, और तो उसका क्या होता है ई ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, तो ये हो गया। और इसी का जो है ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, क्योंकि ये तो पॉइजन जो है किसका है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ऑफ ई टू द पावर एक्स आर, मतलब ई टू द पावर टी एफ एक्स एक्स आर इंटू पी आर। तो पी आर की वैल्यू जो है यही हम लोग पुट कर दिए डायरेक्टली, एक स्टेप लिखने से बजाय कि हम लोग डायरेक्टली पहले ही पुट कर दिए, ये वैल्यू पुट किए। एक्स आर की वैल्यू क्या होती है आर, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं, बस मतलब ऊपर में जितने में कर रहे हैं ना एक्स आर की वैल्यू आर ले रहे हैं, वही हम लोग इसमें पुट किए। बाइनोमियल में भी किए थे वैसे, पॉइजन का ऊपर में भी हम लोग किए, वही वैल्यू हम लोग आर पुट किए। तो ई टू द पावर टी आर इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा आर बाय आर फैक्टोरियल, ये आया। इसमें से जो आर वाले टर्म है ये लैम्डा आर है, और ये ई टू द पावर टी आर है, इन दोनों में आर पावर में आर कॉमन है, तो पावर में जो कॉमन होते हैं तो उसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। तो लैम्डा इंटू ई टू द पावर टी के पावर में आर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी टर्म वैसे ही रहेंगे ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाय आर फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इस चीज़ को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ई ऑफ माइनस लैम्डा, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये हम लोग बाहर निकाल लिए। बच क्या गया, बच गया लैम्डा ई टू द पावर टी के पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब आर की वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट करें तो ये इस पूरे के पावर में जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल यानी कि वन, प्लस इसके पावर में वन यानी कि लैम्डा ई टू द पावर टी
बाई वन फैक्टोरियल, फिर इसके पावर में टू, यानी कि लेमडा ई टू द पावर टी के स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस लेमडा ई टू द पावर टी के पावर में थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल। ये बस हम लोग इसका ना एक तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक तरह से एक्सपेंशन ही कर रहे हैं, मतलब लेमडा का जो मतलब आर की वैल्यू ना 0, 1, 2, 3, 4 ये हम लोग जो है ना एक तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, बस वैल्यू को वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो सबको एक्सपेंड करने के बाद ये किसका एक तरह से फार्मूला क्या बन गया, ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लेमडा e टू द पावर t, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग के पास वो जो फार्मूला था ना वो क्या था, हम लोग के पास था 1 + x + x² / 2 + x³/3 + ……. जो वैल्यू था वो क्या था, e टू द पावर x था, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x के जगह पे ये पूरा लैम्डा e टू द पावर t है, पूरा लैम्डा e टू द पावर t का होल स्क्वायर है, पूरा लैम्डा e टू द पावर t के पावर में होल क्यूब है, मतलब x के जगह पे ना ये x के जगह पे क्या है, लैम्डा e टू द पावर t है, ये पूरा जो है x के जगह पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t आ जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखे ना कि e के पावर में लैम्डा e टू द पावर t, यही वैल्यू आ गया। इसको हम लोग ये जो है ना ये एक हो गया, इसको या तो हम लोग ऐसे लिख लें, या फिर एक और मेथड है कि इस दोनों को हम लोग दोनों में e कॉमन है, मतलब दोनों का जो है ना बेस e है, तो e अगर हम लोग इसको ले लें तो e ऑफ माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा e टू द पावर t, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें से माइनस लैम्डा अगर हम लोग कॉमन ले लें तो माइनस लैम्डा अगर कॉमन लेंगे तो 1 - e टू द पावर t हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं e टू द पावर अगर हम लोग माइनस लैम्डा कॉमन नहीं लेके बस लैम्डा कॉमन लें तो क्या होगा, e टू द पावर t माइनस 1 होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब अपनी मर्जी है चारों में से जो, लेकिन डिफ्रेंसिएशन में जो यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे, तो यही याद रखो हमेशा अच्छे से, तो ज़्यादा ठीक है। बाकी इसको हम लोग ये अलग अलग फॉर्म है लिखने का, बस वो लिखने का है तुमको कैसे लिखना है, तो बस ऐसे ही है। तो ये हो गया समझो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, और इसी का हेल्प से ना हम लोग के पास मीन और वेरिएंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन यही है, यही जो ऊपर वाला जो वैल्यू था, ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, ये हम लोग के पास मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो आया, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा और e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t, ये आया मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। इसी का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो यहाँ रहेगा ही, बाकी बच क्या गया, बाकी बच गया ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t और इनटू लैम्डा e टू द पावर t, ये लैम्डा मतलब एक तरह से x का कोफिशियंट है ना, एक तरह से जो हम लोग कोफिशियंट कर, मतलब एक तरह से बेसिकली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम लोग के पास जो कोफिशियंट टर्म जो रहता है वो हम लोग के पास उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो लैम्डा e टू द पावर t मल्टीप्लीकेशन में था, वो कोफिशियंट में आ गया, तो बस बच किया गया। अब इसमें हम लोग ना t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पुट करने पे जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, इसमें हम लोग e टू द पावर t का जो वैल्यू है, तो मतलब हम लोग इसमें वैल्यू पुट किए तो क्या बन गया, लैम्डा मतलब ये तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा ही, ये जो टर्म था e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t, तो e टू द पावर t में अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1, तो e टू द पावर लैम्डा बस बच गया, इसमें लैम्डा इंटू e टू द पावर t है, तो लैम्डा इंटू e टू द पावर 0 यानी कि लैम्डा बच गया, तो ये लैम्डा बच गया, ये लैम्डा इस e लैम्डा के पावर में माइनस लैम्डा, और ये लैम्डा के पावर में मतलब e टू द पावर लैम्डा है और e टू द पावर माइनस लैम्डा है, तो इन दोनों को मिल के 1 हो जाएगा और 1 * लैम्डा, तो लैम्डा, तो ये एक तरह से लैम्डा ही बना, तो e ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा। अब ऐसे ही जो है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग दोबारा, तो डिफ्रेंशिएट बस करना है, बस बाकी और जैसे है ना एक तरह से इसको जो है इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट इसको हम लोग बस किए हैं, बाकी और प्रोसेस जो है ना वो बाकी सेम ही है, बस हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर लिए है, बाकी डिफ्रेंशिएट जैसे कर लो इसको, और फिर इसमें t की वैल्यू 0 पुट करो, तो t की वैल्यू 0 पुट करने पे ये आएगी, तो वही e ऑफ x स्क्वायर आया, और वेरिएंस जो है उसका वैल्यू जो निकल जाएगा वो क्या होगा, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, वही हम लोग वैल्यू पुट करके वेरिएंस का भी फॉर्मूला वेरिएंस का भी वैल्यू निकाल लिए, वेरिएंस का भी वैल्यू क्या होगा, लैम्डा ही आया।
मीन भी लैम्डा आया, वेरियंस भी लैम्डा ही आया, ये हो गया समझो। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन अगर समझो आया ना कि नंबर ऑफ मंथली ब्रेक डाउन ऑफ ए कंप्यूटर इन ए रैंडम वेरिएबल, समझो अगर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें मीन हम लोग को बता दिया है ना कि 1.8 है, ये मीन जो है ना विथ मीन, ये मीन का वैल्यू बता दिया है। अब तुमको पता करना है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर विल फंक्शन फॉर ए मंथ विदाउट ए ब्रेक, विदाउट ए ब्रेक डाउन, मतलब एक महीना तक चलेगा विदाउट एनी कोई भी ब्रेक डाउन का, और विथ वन, सिर्फ एक ब्रेक डाउन का, विथ एटलीस्ट वन ब्रेक डाउन। ये जो है ना एक तरह से ये निकालना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक तरह से ये निकालना है, इसमें निकालना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, एक ब्रेक डाउन डाउन का है ना। अब ये निकालना है पी ऑफ एक्स एटलीस्ट, अगर वन बोला है तो एटलीस्ट वन मतलब ये हो गया ना कि कम से कम एक आया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन जो है ना, ये हम लोग के पास ये निकालना है। तो इसी में अगर हम लोग अगर ये एज्यूम करें कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ब्रेक डाउन इन ए मंथ, तो एक्स जो है फॉलो करेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग ऊपर में गिवेन ही है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अब जो है ना मीन जो है उसका वैल्यू गिवेन है 1.8, मीन का वैल्यू गिवेन है, इसका क्या मतलब है, लैम्डा की वैल्यू 1.8 है, क्योंकि मीन और वेरियंस का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू ही गिवेन है 1.8, ये लैम्डा की वैल्यू गिवेन है। तो अब हम लोग के पास ना डायरेक्टली ये फार्मूला में ना वैल्यू पुट कर देंगे, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर का जो फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो फार्मूला था, उसमें हम लोग ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा के पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल, यही फार्मूला था। इसमें हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ई के पावर में माइनस 1.8 इंटू 1.8 के पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल, ये वैल्यू पुट किए। अब हम लोग के पास पहला में निकालना क्या है, पहला निकालना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वो निकालना है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो निकालेंगे, तो बस जीरो आर की जगह पे जीरो वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू हम लोग, ये जो है ना कैलकुलेटर से निकलेगा, हम लोग को एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो ये कैलकुलेटर लेके जाना है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना कैलकुलेटर का बहुत यूज़ होगा, लास्ट सिटी में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं पड़ा था, इस सिटी में कैलकुलेटर का यूज़ पड़ेगा, तो कैलकुलेटर ले लेना एक। और इसमें हम जो है कि ई ऑफ माइनस 1.8 का वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू हम लोग लिख दिए। फिर अब जो है ना, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन में था पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकालना था, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकालना है, तो पी ऑफ मतलब आर की वैल्यू जो है ना वन हम लोग पुट कर देंगे, तो ई ऑफ ये जो है ना माइनस लैम्डा, मतलब ई ऑफ माइनस 1.8 है ही, लैम्डा की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू वन पुट किए बाय वन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया, 1.8 इंटू ई टू द पावर माइनस 1.8, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 0.2975, ये आ गई वैल्यू। अब जो है ना तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि निकालना था एटलीस्ट वन ब्रेक डाउन, यानी कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, ये वैल्यू निकालना था। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, तो पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन का वैल्यू क्या होगा, वन माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन वन, ये वैल्यू आई। ये कैसे आया, तो समझो अब जैसे कि है ना, ये हम यूनिट टू में जो था ना, यूनिट टू में जैसे था, मतलब अब जैसे कि कोई एक नंबर है, वो नंबर ना अगर ये अगर ना ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन है इक्वल टू है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, और ये जो लेस देन नंबर है इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों गिवन है। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सम क्या होगा, वो वन होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वन, मतलब टोटल तो प्रोबेबिलिटी वन होगा ना। तो एक तरह से लेस देन जो सिंबल है, लेस देन कोई भी नंबर ना, या तो वो बड़ा होगा या ग्रेटर देन, तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, कोई भी नंबर तो ऐसे ही होगा ना। तो अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन इसका वैल्यू गिवन है, तो लेस देन का सिंबल क्या होगा, वो वन माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो माइनस बस हम लोग छोटा तय कर देंगे, उसी का वैल्यू ये आएगा ना, तो एक तरह से वही है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन है ना, तो इसमें क्या होगा, वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, तो इसमें लेस देन इक्वल टू वन का मतलब क्या, जीरो से ही स्टार्ट होता है और वन से छोटा, तो जीरो से स्टार्ट होता है वन से छोटा, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे ना, ये बस वन में से वन मैंने वो वैल्यू माइनस कर दिया, वही आंसर आ गया, तो बस ऐसे ही है। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है ना, बस वैसे ही हम लोग के पास बस सॉल्व करना है, इसमें से ना लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद बस हम लोग को सॉल्व कर लेना है इसको। बस इसमें ना जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, इसमें पी ऑफ वन मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन की वैल्यू जो है ना 0.3 गिवन है,
हम लोग के पास फार्मूला ये है, वेल्डिंग मास फंक्शन का फार्मूला ये है। तो इसमें जो है ना x इक्वल टू वन पुट करने पे e ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा बाई वन फैक्टोरियल इक्वल टू वैल्यू गिवे नहीं है, तो e ऑफ माइनस लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 बाई लेमडा, ये आ गई x इक्वल टू वन के लिए। तो e ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 बाई टेन लेमडा, मतलब 0.3 में अगर हम लोग ये 3 को अगर हम लोग पॉइंट को हटाएं तो क्या आ जाएगा नीचे में 10 से मल्टीप्लाई, तो वही 10 लेमडा, ये पहला इक्वेशन आया। दूसरा जब हम लोग x इक्वल टू 2 के लिए जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा e ऑफ मतलब उसी वैल्यू में अगर हम लोग r की वैल्यू में 2 पुट करें तो क्या होगा e ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो बस वही हम लोग किए हैं, लेमडा इसका वैल्यू गिवन है 0.2, इसका वैल्यू 0.2 गिवन है, तो 0.2 गिवन है, तो e ऑफ माइनस लेमडा इक्वल टू क्या होगा e ऑफ माइनस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब 0.2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 2 फैक्टोरियल बाई ये लेमडा स्क्वायर, यानी कि लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है। तो बस इसमें e ऑफ माइनस लेमडा का वैल्यू इसमें कितना आया, इसमें ये आया। अब ये जो है ना e ऑफ माइनस लेमडा ये आया, अब e ऑफ माइनस लेमडा इसमें ये आया, दोनों तो इक्वल ही होंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस लेमडा की वैल्यू निकालनी। इस क्वेश्चन में बस लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, लेमडा की वैल्यू जैसे ही निकल गई तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में। तो बस लेमडा की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू जीरो गिवन ही है, तो बस वो वैल्यू का आंसर निकाल लो, तो वो बस आंसर आ गया। ये इसका हम लोग के पास कैलकुलेटर से है, कैलकुलेटर से भी निकाल के लिख सकते हो, जो वैल्यू आएगा 0. कुछ भी जो आया वो लिख सकते हैं। अब जैसे कि पिछला बाइनोमियल में किए थे ना रिकरेंस रिलेशन जो किए थे, मतलब वो जो फिटिंग ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो किए थे, वही अब सेम चीज़ जो है ना इस पॉइजन के साथ भी करेंगे। तो पॉइजन के साथ करने के लिए सबसे पहले तो ये फार्मूला है समझो माइनस फंक्शन का, इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा एफ ऑफ आर इक्वल टू जैसे पिछला में था सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है, मतलब पिछला में जो था ना बाइनोमियल में फार्मूला सब जो है ना वही सब चीज़ है, बस अंतर क्या है ना तो ये जो फार्मूला है पी ऑफ वेल्डिंग मास फंक्शन वो बस चेंज हुआ है, बाकी सारा प्रोसेस जो है ना सब में वैसा ही हो रहा है, बस सेम चीज़ करना है, मेन निकालना है, बैलेंस निकालना है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन निकालना है, इस वाले में फिटिंग निकालना है। फिटिंग जो है याद रखना कि बस पॉइनोमियल और पॉइजन इन दोनों में ही हम लोग बस निकाल रहे हैं, बाकी और किसी में नहीं निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसका गिवन होगा क्या, तो इसका गिवन मतलब ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पिछला में जैसा था ना वैसे ही है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एन इंटू पी ऑफ आर, ये आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब वैसे ही जैसा पिछला में किए थे ना बाइनोमियल के साथ पी ऑफ आर प्लस वन बाई पी आर, वही वैल्यू हम लोग इसमें भी करेंगे, वही वैल्यू करके ये वैल्यू आया पी ऑफ आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा लेमडा इंटू आर प्लस वन इंटू पी ऑफ आर, ये वैल्यू आया। तो इसी में ना हम लोग पी ऑफ जीरो, हम लोग ये बात याद रखो कि पी ऑफ जीरो हमेशा अलग से निकालते हैं, तो वही पी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा पी ऑफ जीरो मतलब यहाँ पे हम लोग पी ऑफ जीरो पुट करेंगे तो वो वैल्यू निकालने पे क्या होगा, एक तरह से इसमें हम लोग ना एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या होगा पी ऑफ मतलब ई ऑफ माइनस लेमडा इंटू जीरो के मतलब लेमडा के पावर में जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो गया ई ऑफ माइनस लेमडा ही आ गया, तो ई ऑफ माइनस लेमडा जो है ना वही पी ऑफ जीरो आया, ई ऑफ माइनस लेमडा ये जीरो आ गया। और पी वन की वैल्यू क्या होगी तो वही बस इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना जीरो, आर की वैल्यू जीरो पुट करो तो वही बस वैल्यूज आर इक्वल टू जीरो जो है ना आर इक्वल टू जीरो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी पी ऑफ वन, और आर इक्वल टू वन करेंगे तो पी ऑफ टू निकलेगा, बस वही हम लोग करेंगे। और ऐसे ही हम लोग ना सो ऑन एंड सो ऑन मतलब पी ऑफ थ्री निकालेंगे पी ऑफ फोर निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग सेम बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन होगा ना वो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग बाइनोमियल बना के देखेंगे, तो ये खुद से एक ट्राई करके देखना वो बन जाएगा, आसानी से ही बन जाएगा। इसमें भी ना सेम टू सेम मतलब इसमें देखो मेन भी इसमें भी एन जो है वो हम लोग 400 लिए, इसमें जो एन इसमें तो इसमें ना हम लोग को एन का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास इसमें वो नहीं निकालना है ना, इसमें हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एन का कोई काम नहीं है, ये जो 5 जो हम लोग एन लेते थे ना उसका कोई काम नहीं है, तो उसका कोई काम नहीं है तो इसका हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। तो बस ये मीन निकाल लिए, ये मीन निकाल लिए, इसका क्या मतलब है मीन का मतलब लेमडा, लेमडा का वैल्यू आ गया, लेमडा का वैल्यू एक बार आ गया तो उसके बाद हम लोग पी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है ई टू द पावर माइनस लेमडा, वही वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो पी ऑफ जीरो निकल गया, पी ऑफ जीरो निकला तो जैसे पिछला में किए थे पी ऑफ जो जीरो निकाल लेते थे तो उसका हम लोग एफ ऑफ जीरो भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को जो टेबल बनाते हैं लास्ट में सबसे लास्ट में जो टेबल बनाते हैं वो किसका बनाते हैं एफ का बनाते हैं टेबल, तो
एफ ऑफ जीरो भी हम लोग निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो का क्या होता है एन इंटू पी ऑफ जीरो, तो एन का वैल्यू 400 था, 400 इंटू इतना तो ये वैल्यू आ गया। ऐसे ही हम लोग पी वन निकालेंगे, फिर एफ वन निकालेंगे, फिर उसके बाद पी टू निकालेंगे, एफ टू निकालेंगे, ये सारे ना कैलकुलेटर से। और ये याद रखना कि ये जो फिटिंग वाला क्वेश्चन है ये 12 मार्क में आएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें बनाने में, तो ये समझो ऐसे ही बस इसको सॉल्व करना है। तो ये ट्राई करना बना के सॉल्व करना, और इसमें जैसे कि ये ऐसे लिखे ना, तो इसको हम लोग क्या करते थे, राउंड ऑफ करते थे, जो बोले थे ना कि राउंड ऑफ करेंगे, तो 147.17 है, इसका क्या होगा 147 ही होगा, 147.17 इसमें भी क्या होगा 147 होगा, इसमें आया 73.58 है, यानी कि 74 हो जाएगा, फिर 24.53 इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो गया ना, 24.50 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोग बस वैल्यू क्या होगा वो उससे एक बढ़ जाता है। फिर 6.13 का 6 होगा, 1.23 का 1, टोटल क्या है, मतलब ये बात याद रखना ना कि ये जो टोटल है ये 400 ही आना चाहिए, इन सब को ऐड करके ऐसे ही वो ऑर्गेनाइज करो कि वो 400 ही आए, ऐसा हम लोग को इसमें हम लोग को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये था समझो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है ना ऐसे ही हम लोग के पास जो है ना ये लास्ट है समझो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ना, लास्ट है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये समझो लास्ट टॉपिक है मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ये अगर है ना तो इसके बाद समझो हाफ यूनिट यहाँ तक ख़त्म होगा, ये एक ख़त्म होने पे। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो इसमें ना बस वही सेम चीज़ याद रखना है, इसमें ना हम लोग करते क्या है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग ना ऐसे प्रोबेबिलिटी का जो है ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है ना जिसमें ना नंबर ऑफ ट्राई, मतलब ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो ना नंबर ऑफ ट्राई बताए ऐसे एक्सपेरिमेंट का जिसमें ना जितने नंबर ऑफ ट्राई रिक्वायर्ड होंगे फर्स्ट सक्सेस के लिए, मतलब एक तरह से एग्जांपल के लिए ये समझो ना कि अगर तुम ना 500 बार अगर डाइस थ्रो फेंके, मतलब 500 बार तुम डाइस थ्रो फेंक रहे हो, उसमें ना तुमको सबसे पहला कोई एक इवेंट है समझो नंबर ऑफ इवेंट मान लो नंबर ऑफ 6, मतलब 6 आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब 6 आए, मतलब जो डाइस थ्रो किए ना तो 6 आए, तो ये भी हो सकता है ना कि सबसे पहला चांस में तुमको 6 आ जाएगा, जब तुम अगर डाइस फेंकते हो तो या तो पहला ही चांस में 6 आएगा, या दूसरा में आएगा, या तीसरा में आएगा, या चौथा में आएगा, या पाँचवा में आएगा, ऐसे करके वो जो फर्स्ट सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसके लिए हम लोग के पास जो ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ना अगर आरथ बार अगर आया समझो, अगर ना तुमको पांचवा बार अगर मान लो कि तुम अगर डाइस थ्रो किए हो, तुमको पांचवी बार जब डाइस थ्रो किए हो ना तब जाके तुम्हें आए हैं 6, तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट सक्सेस अगर ना 6 अगर तुमको पांचवा बार आया है, इसका क्या मतलब है बाकी जो 4 बार थे पहले के 4 में तुमको 6 नहीं आया। एक तरह से अगर पी को अगर तुम सक्सेस मानो, ये पी अगर सक्सेस है, ये तुम्हें अगर फिफ्थ टाइम में आया, 5 बार में जो है ना पचवा बार में आया, इसका क्या मतलब है, क्यू जो है अगर ये अनसक्सेसफुल को मानो, हम लोग जैसे बाइनोमियल में मानते थे ना कि पी जो है सक्सेस और क्यू जो है अनसक्सेस, मतलब अनसक्सेसफुल, तो ये क्यू कितना बार आया, ये क्यू 4 बार यानी कि आ चुका है, तभी तो तुम्हें पाँचवा बार पहली बार सक्सेस मिली, पांचवा टाइम में ना तुम्हें पहला बार सक्सेस मिला, बाकी इसका क्या मतलब है कि क्यू जो है वो 4 बार अनसक्सेसफुल हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू ऑफ आर माइनस 1 जो वैल्यू है, ये पांचवी बार मतलब पांचवा अटेम्प्ट में अगर तुम्हें सक्सेस मिला है, एक्स इक्वल टू 5 का मतलब क्या कि पांचवा अटेम्प्ट में अगर तुम्हें सक्सेस मिला है तो क्यू ऑफ 5 माइनस 1 यानी कि 4 बार तुम्हें अनसक्सेस का सामना करना पड़ा, मतलब 4 बार तुम अनसक्सेसफुल हुए हो और ये जो पांचवी बार है उसमें तुम्हें सक्सेस मिला है, तो वो बस एक पी जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गई समझो तुम्हारी, ये समझो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की। तो बस वही है हम लोग के पास, ये जो है ना रैंडम वेरिएबल तो इसका मास फंक्शन जो है ना, मास फंक्शन क्या होता है, तो वो बस डेफिनेशन है समझो, ये एक तरह से कि डेफिनेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो एज्यूम करता है वैल्यू इतना, तो इसका मास फंक्शन अगर ये गिवन है, मास फंक्शन अगर ये है
तो उसमें जो है ना उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बस वही चीज़ है, मतलब फर्स्ट सक्सेस का हम लोग के पास जो निकालते हैं ना तो उसमें हम लोग को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब जैसे हम लोग बाकी सब में किए थे, बाइनोमल में भी किए, पॉइजन में भी किए, सबसे पहला काम है कि हम लोग को ये चेक करना कि ये सच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, मतलब लेजिटिमेसी हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब लेजिटिमेट है या नहीं है। तो लेजिटिमेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितना भी जो सम है, सम इसका 1 होना चाहिए। तो हम लोग समेसन कर रहे हैं, समेसन इक्वल टू क्या होगा, इसका समेसन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग पी जो है कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बाहर पी कॉन्स्टेंट आ गया, और सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी क्यू ऑफ आर माइनस 1 ये अंदर में आ गया। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करने जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू 3, मतलब इस टर्म को जो है ना, ये जो टर्म है इतना को हम लोग एक्सपेंड किए आर की डिफरेंट वैल्यू पे, तो वही बस 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब ऐसे आया। तो अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म का ये जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, 1 बाई 1 माइनस क्यू का ये एक्सपेंशन है। बेसिकली ये एक्सपेंशन किसका है, 1 प्लस ये जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन होता है, 1 माइनस एक्स का पावर में माइनस 1 इसका एक्सपेंशन होता है। तो ये एक तरह से किसका है, तो इसमें ना अगर हम लोग एक्स के जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्यू है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस क्यू के पावर में माइनस 1 का एक्सपेंशन है। तो 1 माइनस 1 बाई क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 माइनस क्यू। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखें, 1 बाई 1 माइनस क्यू, और ये पी तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, और 1 माइनस क्यू का वैल्यू क्या होता है, पी, तो 1 बाई पी, तो ये 1 1, मतलब पी और पी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, 1 1 आया। इसका क्या मतलब है कि ये लेजिटिमेट है, ये सही है, ये सही में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब बाकी जैसे हम लोग बाइनोमियल में किए थे वैसे ही हम लोग इसमें मीन और वेरिएंस निकालेंगे। तो मीन और वेरिएंस निकालेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मीन का वैल्यू क्या होता है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आर पी आर का सिग्मा। तो एक्स आर का वैल्यू क्या है आर, पी आर का वैल्यू क्या है पी आर, हम लोग पी इंटू क्यू ऑफ आर माइनस 1, यही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, यही जो फार्मूला जो है, बस फार्मूला हम लोग पुट किए। फार्मूला पुट करने पे अब उसके बाद इसमें से हम लोग के पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, पी को कॉन्स्टेंट ले लिए, बच क्या गया, आर इंटू क्यू ऑफ आर माइनस 1 ये हम लोग के पास बच गया। इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q3, ये कैसे आया, तो ये जिसके r की वैल्यू जो है ना r इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट करें, तो 1 इंटू क्यू की पावर में 1 माइनस 1 यानी कि 1, फिर प्लस r इक्वल टू 2 जब पुट करें तो 2 इंटू क्यू की पावर में 2 माइनस 1 यानी कि 2q, फिर प्लस r इक्वल टू 3 अगर पुट करें तो 3 इंटू क्यू की पावर में 3 माइनस 2 यानी कि क्यू स्क्वायर। तो ऐसे ही एक्सपेंड होते जाएगा ना, 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q3, ऐसे ही एक्सपेंड होते जाएगा। तो ये किसका फार्मूला हो जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस क्यू का होल के पावर में माइनस 2 का, ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसी का फार्मूला हो गया, तो 1 माइनस क्यू का पावर को हम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको हम लोग नीचे में 1 बाई क्यू लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई क्यू, मतलब पी इन बाई 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस क्यू को हम लोग पी लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यानी कि 1 बाई पी, ये आया मीन, ये मीन आ गया इसका। ऐसे ही हम लोग ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू पी ऑफ क्यू माइनस 1। अब जैसे पिछला में हम लोग कर रहे थे ना, पिछला में हम लोग क्या कर रहे थे, आर इंटू आर माइनस 1 और फिर प्लस आर, ऐसे हम लोग कर रहे थे पिछला में। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस बार हम लोग अपोजिट कर रहे हैं, इसमें हम लोग आर इंटू आर प्लस 1 कर रहे हैं, माइनस आर कर रहे हैं, मतलब बात तो बराबर ही है, प्लस माइनस आर ही कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्लस आर पहले कर रहे हैं फिर माइनस आर कर रहे हैं, बस वही चीज़ है। तो दोनों में वही चीज़ कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने के बाद हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे, इस वाले टर्म को अलग और इस वाले टर्म को अलग, तो दोनों को अलग अलग लिखें, तो ये एक टर्म बना और फिर माइनस के साथ ये एक टर्म बना। तो इस टर्म का वैल्यू हम लोग के पास 1 बाई पी, हम लोग ऊपर में ही निकाल चुके हैं, ये जो है 1 बाई पी ऊपर में ही हम लोग एक्स वाले टर्म के साथ निकाल चुके हैं। तो 1 बाई पी तो ये हो गया, बच क्या गया, ये टर्म, तो ये टर्म बच गया। तो इसके साथ हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3q प्लस 3 इंटू 4q, मतलब एक तरह से ना इसमें हम लोग ये जो एक्सपेंशन है,
ये हम लोग ना आर की वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या है, वन इंटू वन प्लस वन यानी कि वन इंटू टू, फिर प्लस टू इंटू टू प्लस वन यानी कि थ्री इंटू क्यू, फिर प्लस ये आ गया थ्री इंटू फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर इंटू फाइव क्यू के पावर में थ्री, ये ऐसे ही एक्सपेंड होते गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग टू पी अगर हम लोग कॉमन ले लें, इसमें हम लोग ना टू कॉमन लें, इन सारे में से अगर हम लोग टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, वन प्लस थ्री क्यू प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस टेन क्यू क्यूब इक्वल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन है ये है वन माइनस क्यू के पावर में माइनस थ्री का एक्सपेंशन। तो वन माइनस क्यू के पावर में माइनस थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पी बाई वन माइनस क्यू के पावर में थ्री माइनस वन बाई पी, तो हम लोग के साथ ये है ही। तो इसको हम लोग ये जो है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस क्यू के को हम लोग पी लिखे थे तो इसीलिए ये पी क्यू हुआ। तो पी एक पी से एक पी कैंसिल होगा तो क्या होगा, टू बाई पी स्क्वायर, तो टू बाई पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी। तो इसको हम लोग टू बाई पी स्क्वायर बाई वन बाई पी, इसमें से हम लोग पी स्क्वायर अगर एलसीएम ले तो क्या होगा, टू माइनस पी बाई पी स्क्वायर। तो टू माइनस पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू माइनस वन बाई क्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ये p के जगह पे 1 माइनस क्यू हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो ये हो गया हम लोग के पास एक्सपेंशन। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और 2 माइनस वन बाई पी है ना, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू बाई पी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही हम लोग चीज़ लिखे 1 प्लस क्यू बाई पी स्क्वायर, इसको हम लोग के पास एक तरह से लिखने का तरीका है, मतलब इसमें से हम लोग ये जो आया था ना इसमें हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 माइनस वन प्लस क्यू, तो 2 माइनस वन यानी कि 1 प्लस क्यू और बाई में पी स्क्वायर तो है ही। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्यू बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग प्लस 1 बाई पी स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्यू माइनस 1, तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी स्क्वायर, ये हो गया वेरियंस का। तो ये मीन आ गया, वेरियंस आ गया। अब हम लोग के पास क्या है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन जैसे बाकी सब में कर रहे थे वैसे ही करेंगे, पी मतलब जो ये पी एम एफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इस मास फंक्शन का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो ई ऑफ टी ऑफ एक्स स्क्वायर ये हम लोग को निकालना है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ टी ऑफ आर, मतलब ये आर कैसे आया, ये एक्स आर का वैल्यू आर है, इनटू प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ऑफ एक्स आर मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट किए हैं। अब बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें से हम लोग जैसे पिछला में किए थे, जैसे कि हम लोग इसमें पिछला में किए थे ना कि आर के टर्म में ये क्यू के पावर में आ रहा है और ये ई टू द पावर टी आर है, इन दोनों को एक साथ लिख लिए और इसको एक्सपेंड कर दिए। तो बाकी इसमें से हम लोग पी वाई क्यू कॉमन लेके एक्सपेंड कर दिए। तो एक्सपेंड करने के बाद हम लोग के पास क्या बचा, ई टू द पावर टी इंटू क्यू आर। तो इसको हम लोग इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी ऑफ ई टू द पावर टी इंटू क्यू के पावर में आर अगर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी इंटू आर इंटू ई टू द पावर टी क्यू बाई ई टू द पावर टी क्यू, मतलब ऊपर से भी अगर हम लोग ई टू द पावर टी क्यू और नीचे भी ई टू द पावर टी क्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, एक तरह से वन से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ाना इसमें, हम लोग ना बस मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे, तो इसमें से हम लोग ई टू द पावर टी क्यू कॉमन ले आए बाहर, ये अगर हम लोग बाहर ले आए तो क्या होगा, पी इंटू ई टू द पावर टी क्यू बाई क्यू, ये आया और सिग्मा इसमें क्या आ गया, बच क्या गया, तो इसमें ई टू द पावर टी क्यू से अगर हम लोग डिवाइड करें तो आर माइनस वन बच गया, तो ये बस टर्म बच गया। अब इसी टर्म को ना हम लोग बस एक्सपेंड कर देंगे, बस इसी टर्म को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो इसमें से पहले तो क्यू और क्यू कैंसिल कर दो और बाकी बच जो है इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस क्यू ई टू द पावर टी प्लस क्यू ऑफ ई टू द पावर टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ ई टू द पावर टी का होल क्यू, ये जो है ना एक्सपेंशन हम लोगों को बढ़ते चल जाएगा। तो इसमें हम लोग के पास इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस क्यू ई टू द पावर टी का पावर में माइनस वन, इस एक्सपेंशन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो माइनस वन यानी कि वन बाय हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो वन बाय ऐसे लिखे और बस इसी को हम लोग माइनस वन है
बस वही वैल्यू हम लोग, ये हो गया मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, इसका इसका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ये हुआ। इसी का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, बस डिफ्रेंशिएट किए और टी का वैल्यू ज़ीरो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद टी का वैल्यू जो ज़ीरो पुट किए तो मीन निकल गया। और फिर जब हम लोग दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद टी इक्वल टू ज़ीरो जो पुट करेंगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकलेगा। ये जो वैल्यू आया ये आया ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये जो है ना ये वैल्यू आया, ये आया ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो वेरियंस का वैल्यू क्या होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आया वेरियंस का वैल्यू। तो बस वेरियंस का वैल्यू हम लोग को निकल गया, मीन का वैल्यू भी निकल गया मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से ही। तो ये था समझो। अब इसमें ना एक चीज़ एक्स्ट्रा है बाकी दो के मुकाबले, हम लोग के पास ना एक मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो क्या होता है, तो एक ना समझो प्रोबेबिलिटी, अगर हम लोग के पास ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, ये बाद में समझो एमसीक्यू में ना काम भी आ जाता है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग के पास गिवन है, अगर पी ऑफ एक्स ग्रेट मतलब एक्स ग्रेटर देन एम बाई एन और कंडीशनल एक्स ग्रेटर देन एम है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन, ये इसका प्रोबेबिलिटी। बस ये एक तरह से ना डिस्ट्रीब्यूशन का ना मीनिंगलेस प्रॉपर्टी है, मतलब मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है ये समझो। तो इसमें ना एक तरह से कर क्या रहे हैं हम लोग ने, इसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ समझो ये है ना कि अगर हम लोग के पास एक्स जो है, अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉलो कर रहा है, तो अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो अगर ग्रेटर देन के का अगर हम लोग को बस वैल्यू निकालना है समझो, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे ज़ीरो से, लेकिन अगर हम लोग ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करके अगर हम लोग के से स्टार्ट करें, के से बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी जो है अगर हम लोग निकालेंगे समेशन, तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू के प्लस वन से हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब के से बड़ा का मतलब क्या है कि के प्लस वन से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, पी तो कॉमन आ जाएगा, पी जो है बाहर आएगा, और फिर क्यू के पावर में के प्लस क्यू के पावर में के प्लस वन प्लस क्यू के पावर में के प्लस टू, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें से क्यू के पावर में के जो है ना वो कॉमन ले आएँ, क्यू के पावर में के अगर कॉमन ले आएँ तो क्या होगा, वन प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के पावर में थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका वैल्यू ये पूरा का वैल्यू क्या होगा, ये वन बाई वन माइनस क्यू, ये एक तरह से इसका एक्सपेंशन है ना, वन माइनस क्यू के पावर में माइनस वन का एक्सपेंशन है, ये जो वन माइनस क्यू इंटू वन माइनस क्यू के पावर में माइनस वन का एक्सपेंशन है। तो ये पी ऑफ क्यू के पावर में के है, उसका हम लोग के पास ये मल्टीप्लीकेशन में आया, तो इसमें से ना वन माइनस क्यू का वैल्यू क्या होता है पी, तो पी और पी आपस में कट गया, तो एक तरह से ना ये क्या आ गया, क्यू के पावर में के आ गया, एक तरह से ये हम लोग के पास आ गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन के इज इक्वल टू क्यू के पावर में के, ये वैल्यू आ गया। मतलब ये एक्स किसी के साथ भी ग्रेटर देन हो, इसका वैल्यू जो है ना यही आएगा, ये के जो है ना कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू कोई भी हो ना, तो क्यू के पावर में के ही आएगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन के का अगर निकालना है तो। ये हम लोग के पास ना ये याद रखना, ये एक तरह से फार्मूला है, एमसीक्यू में डायरेक्टली इसका अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एमसीक्यू के लिए याद भी रखना है ये फार्मूला। अब बाकी जो है ना हम लोग के पास क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, मतलब ये जो प्रूफ क्या करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग के पास प्रूफ करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एम प्लस एन कंडीशनल, ये जो है ना बाई का मतलब क्या, कंडीशनल एक्स इज ग्रेटर देन एम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन, ये हम लोग के पास प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एम प्लस एन एंड, मतलब ये एंड एक्स ऑफ एंड मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन एम और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एम बाई में, ये कंडीशनल का फॉर्मूला है जो हम लोग यूनिट वन में कंडीशनल थ्योरम जो पढ़े थे, कंडीशनल में ये था ना पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू होता था पी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, ये कंडीशनल का जो फार्मूला था वही फार्मूला हम लोग निकाले हैं। ये जो फार्मूला था ये है ए अगर ये है बी अगर, तो ये ए एंड बी, ये समझो ए है ये बी है, ए एंड बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस वही चीज़ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एम प्लस एन। ये हम लोग कैसे लिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एम प्लस वन ही है। देखो अगर ये जो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है,
यहाँ से हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके समझो एम आया, और यहाँ पे जाके ना समझो अगर एन आया, मान लो कि अगर यहाँ पे जाके एन आया, और ये जो है ना अगर ये एम प्लस एन है, ये अगर एम प्लस एन है, तो एक तरह से ना हम लोग के पास ये है ना, एक सेकेंड, हाँ अब जैसे कि है ना, अब इसमें से ना हम लोग के पास ना ये फॉर्मूला में क्या करना था, हम लोग के पास ये देखो x इज़ ग्रेटर देन m प्लस वन, x इज़ ग्रेटर देन वन m प्लस वन, मतलब इसके बाद का ये जो एरिया है, ये एरिया इसके बाद का ये जो ये एरिया है, ये एरिया का प्रोबेबिलिटी प्लस मतलब इंटरसेक्शन m के साथ थी, ये पूरा एरिया का, ये पूरा एरिया का प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों के बीच का कॉमन, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन m प्लस एन ही है, यही ना एक कॉमन है, ये जो एरिया है इसमें तो m प्लस वन का एरिया नहीं है, तो एक तरह से ये m प्लस एन ही आएगा, तो यही इसीलिए आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m प्लस वन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m, तो इसी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये x इज ग्रेटर देन m प्लस एन, तो इसमें x इज ग्रेटर देन k के जगह पे अगर m प्लस एन पुट करो तो क्या आएगा, q के पावर में k था तो q के पावर में m प्लस एन आया, और नीचे में क्या है, x इज ग्रेटर देन m, तो k के जगह पे अगर m पुट करो तो k q के पावर में m, तो इन दोनों को अगर हम लोग q के पावर में m प्लस एन बाई q के पावर में m इक्वल टू क्या आएगा, q के पावर में n, यही हम लोग को प्रूफ करना था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी का अपोजिट जो है, ये जो ऐसे था इसमें अगर q के पावर में k अगर गिवन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन k, यानी कि q के पावर में अगर n गिवन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन n, तो वही हम लोग के पास ये प्रूफ हो गया आ गया, यही है। अब जो है ना यही एक क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास करना क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी अगर गिवन एप्लीकेंट अगर ड्राइवर अगर लाइसेंस के लिए कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो उसमें पास होने का प्रोबेबिलिटी है 0.8, ये प्रोबेबिलिटी है। अब तुमको ना ये पता करना है ना कि समझो कि फोर्थ ट्राई में पास होने का क्या चांस है, फोर्थ ट्राई में, तो फोर्थ ट्राई में तो इसमें हम लोग के पास गिवन अगर हम लोग लेट अगर मान लें कि लेट अगर एक्स जो है डोनेट करता है नंबर ऑफ ट्राई रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट सक्सेस, तो एक्स जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, इसका पीएमएफ क्या गिवन होगा, पीएमएफ का फॉर्मूला बस लिख दो, ये फार्मूला है पीएमएफ का, इसमें ना क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.p, सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो जीरो मतलब p का वैल्यू जो है ना 0.8 गिवन है, तो इससे हम लोग q का वैल्यू निकाल सकते हैं, q का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस p, यानी कि 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2, ये हो गया q का वैल्यू हम लोग के पास, ये क्वेश्चन में क्या है, ऑन द फोर्थ ट्राई, फोर्थ ट्राई के लिए निकालना है, तो x इज इक्वल टू 4, p ऑफ x इक्वल टू 4 निकालना है, तो p ऑफ x इक्वल टू 4 यानी कि इसमें ना r की जगह पे 4 पुट करो, तो 4 माइनस q के पावर में 4 माइनस 1 यानी कि 3, q के पावर में 3 इंटू p, तो बस वही वैल्यू पुट किए, ये वैल्यू पुट कर दो, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इन फ्यूअर देन फोर ट्राई, इन फ्यूअर देन फोर ट्राई का मतलब क्या, या तो फर्स्ट ट्राई में कर ले, या सेकेंड में कर ले, या थर्ड में कर ले, इन तीनों में कर ले, तो वही एक्स इज ग्रेट एक्स इज स्मॉलर देन फोर का मतलब क्या है, पी ऑफ या तो वन में कर ले, या टू में कर ले, या थ्री में कर ले, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, तो पी, एक्स इक्वल टू क्यू टू के लिए क्या होगा, क्यू पी, और एक्स इक्वल टू थ्री के लिए क्या होगा, क्यू स्क्वायर पी, ये जो क्यू स्क्वायर क्यू पी, ये पी इक्वल टू वैल्यू जो है ना ये कैसे आ रहा है, ये बस इसमें ना वैल्यू पुट करने पे आ रहा है, इसमें x इक्वल टू वन अगर हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, q ऑफ वन माइनस वन यानी कि जीरो, q ऑफ जीरो का मतलब क्या, वन, इसीलिए बस p बचा, अगर x इक्वल टू टू निकालना रहता तो टू माइनस वन यानी कि क्यू पी आ रहा था, तो वही क्यू पी आ रहा था, और जब अगर हम लोग के पास x इक्वल टू थ्री माइनस मतलब थ्री है अगर x इक्वल टू थ्री के लिए, तो थ्री माइनस टू यानी कि क्यू स्क्वायर पी, तो वही क्यू स्क्वायर पी, तो बस वैल्यू पुट करो, ये आंसर ले आओ। और फिर अब यही जो एक क्वेश्चन है, इसमें ना अगर एक डाई कास्ट हो रहा है जब तक 6 अपीयर होता है उस समय तक का, और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इट कास्ट मोर देन 5 टाइम्स, ये अगर एमसीक्यू में आया, अगर एमसीक्यू में आया तो मोर देन 5 निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 निकालना है, तो इसका एमसीक्यू में अगर आया तो क्या होगा इसका आंसर, एमसीक्यू में अगर आया तो डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन
यहाँ पे तुमको एक तरह से निकालना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन फाइव, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्टली क्यू के पावर में फाइव, एक्स इज ग्रेटर देन के का ये फार्मूला है ना, तो क्यू ऑफ फाइव, तो क्यू के पावर में फाइव आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर एम सी क्यू में आया, तो एम सी क्यू में आया तो डायरेक्टली हम लोग के पास ये क्यू के पावर में फाइव ये आंसर आ गया। अब जो है ना दूसरा, अगर हम लोग के पास जो है ना अगर हम लोग के पास एम सी क्यू में नहीं आया तो हम लोग को पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। तो लेट एक्स अगर मान लो कि ट्राई है जो अगर सिक्स आने का, तो सक्सेस होने का ट्राई क्या है, सक्सेस होने का मतलब क्या है, अगर सिक्स आने का क्या चांस है वन बाई सिक्स, तो सिक्स नहीं आने का क्या चांस होगा फाइव बाई सिक्स, वो नॉर्मल जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बस वही है अभी। और जब अगर हम लोग के पास, अब अगर पहला मेथड ये है ना कि अगर x इज़ ग्रेटर देन फाइव का क्या मतलब है, वन माइनस एक्स इज़ लेस देन फाइव, तो वन माइनस एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फाइव, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सबका वैल्यू निकाल के वो सबका वैल्यू पुट करो, ये एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड कि x इज़ ग्रेटर देन फाइव निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू सिक्स से लेके इन्फिनिटी, ग्रेटर देन फाइव का मतलब क्या है, r इक्वल टू सिक्स से लेके इन्फिनिटी तक का, और p ऑफ ये फार्मूला जो है p ऑफ क्यू आर माइनस वन, ये वैल्यू पुट कर लो। और इसमें से बस हम लोग के पास q के पावर में फाइव कॉमन ले आओ, तो q के पावर में फाइव और बच क्या गया, तो वन माइनस क्यू के पावर वन माइनस वन बाई क्यू इक्वल टू क्यू के पावर में फाइव, तो इक्वल टू क्या आ गया फाइव बाई मतलब फाइव बाई सिक्स के पावर में फाइव। ये भी एक तरह से ना एम सी क्यू वाला जो फार्मूला है, एम सी क्यू में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग फार्मूला को प्रूव करके निकालते हैं और तब यूज़ करते हैं, बस वही चीज़ है। तो ये ज़्यादा ईजी है, आसानी से ये निकल जाता है इसमें, उसमें जो है ना सॉल्व करके ये जो है ना इतना बड़ा, अगर इतना जो पाँचों है ना पाँचों को सॉल्व करके इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करो तब निकालो, पाँचों का निकालो तब इसका वैल्यू निकालो, उससे अच्छा कि आसानी से बस इसका ये निकालो और इसका सॉल्व इसका बस सॉल्व कर लो। ये हो गया समझो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ तक समझो हाफ यूनिट का हो गया, कि समझो डिस्क्रीट वाले वैल्यू, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो है ना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी तीन तरह के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे हो गए। अब जो यहाँ से जो है ना वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो जो होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो समझो बाद में करेंगे, बाकी अभी समझो अभी तीन जो है ना तीन अभी तक है।